गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आपको कल का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। और अभी हम जा रहे हैं सीधे ऊपर पॉइंट्स वगैरह घूमने। सुबह हम नाश्ता कराए थे तो सुबह का मैंने व्लॉग अभी बनाया नहीं, तो व्लॉग अभी मैं रूम से ही चालू कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि अभी जा रहे हैं सीधे हम पॉइंट्स वगैरह सात ताल, काफ़ी पॉइंट्स घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे और आपको इन्जॉय करेंगे। मिलते हैं। अभी हमारा प्लान बन गया है पंगोट जाने का, और अभी हम निकल रहे हैं सीधे यहाँ से पंगोट के लिए। पंगोट यहाँ से 13 किलोमीटर है, और मतलब अभी मैं देख मतलब कई लोगों से सुना है बिल्कुल जन्नत है, समझो आप। वहाँ का जो व्यू पॉइंट्स है मतलब एक से एक बढ़िया पॉइंट्स, मतलब आप समझो कि एकदम स्वर्ग में आ गए हो ऐसा है। और अभी रास्ते में व्यू एक मिला था बहुत बढ़िया, तो हमने कहा मैंने सोचा कि आपको भी दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये देखो गाइस व्यूज़ देखो आप, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से ऊपर से पूरा। देखो आप नैनी झील दिख रही है, नैनीताल की जहाँ पर हम अभी रुके हुए थे, तो वह यहाँ से पूरी नैनीताल झील दिख रही है यहाँ की। और ये देखो आप बादल, बादल तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल साथ में ही चल रहा है बिल्कुल। इतनी बढ़िया पेड़ पौधे हरियाली, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और अभी सीधे हम यहाँ से निकलेंगे ऐसे 10-12-13 किलोमीटर पंगोट, वहाँ का दिखाएंगे, वहाँ तो बिल्कुल ही अलग ही है। उसके बाद लौटने के बाद सीधे हम निकल जाएंगे पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स हैं नीचे उतरने के बाद, फिर सात ताल भी होके आएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, गाइस यहाँ पर देखो अभी मैंने क्या देखा, आंटी देखो कहाँ पर कपड़े डाल रही है, मतलब अपने घर की छत के टीन के ऊपर, कितना डेंजरस है, तो यहाँ पर खड़े होकर डाल रही है। हम तो भैया हमें तो ऐसे डर लगे हमें खौफ में ही आ जाए, आंटी को बोला डर ही नहीं लग रहा जरा सा भी। आ चुके हैं हम हिमालय दर्शन, ये देखिए गाइस हिमालय दर्शन आ गए हम। ये थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर ऊपर है, और नीचे से आप व्यू चेक करो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, व्यू कितना बढ़िया हो रहा है। आपको यहाँ से दिखाएंगे आपको पूरा हिमालय पॉइंट यहाँ से देखो आप। और जब हम जनवरी वगैरह जनवरी फरवरी में आते थे, यहाँ से पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई देती है। और वो कितना ज़बरदस्त, कितना बढ़िया व्यू है। अभी हम रास्ते में हैं इसमें भाई, अभी रह गया यहाँ से 7-7 किलोमीटर रह गया है। अरे पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं यार ऊपर के, देख सही, इससे ज़बरदस्त लग रहा है। ग्रीनरी है यहाँ पे ना, और यार यहाँ चढ़ाई बहुत खड़ी है, रोड भी बहुत पतली है, रोड देख लो ज्यादा, मतलब एक गाड़ी निकल पाएगी इतनी जगह है बस, इससे जगह ही नहीं है। और इतने कट, इतने मतलब कट है आगे पता भी चलेगी गाड़ी दूसरी आ रही है, देखो कितनी चढ़ाई चढ़ाई, इतनी बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा ऊपर नीचे। गाइस अभी हमने मतलब पंगोट के रास्ते में पहुंचने के बाद 2-3 किलोमीटर रह गया था, बारिश वगैरह चालू हो गई थी, तो फिर हमने वहाँ से वापसी लौट गए, लौट आए, क्योंकि वहाँ पर वगैरह हम मतलब बारिश भी काफ़ी चालू हो गई थी, और डर भी था कि यार लैंडस्लाइड वगैरह कुछ ना हो जाए, तो इस चक्कर में हम लौट ही आए, क्योंकि वहाँ पर वैसे तो व्यू पॉइंट ही है और कुछ है नहीं। तो रास्ते में लौटते वक्त हमने यहाँ पर देखा है चाइना पीक, यहाँ पर 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो हमने कहा यहाँ पर यहाँ से चलते हैं ऊपर। और टिकट थी नॉर्मल 50-50 रुपये की टिकट थी ऊपर जाने की, तो अभी चढ़ रहे, देखो आप सांस काफ़ी फूल रही है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, दिखाता हूँ आपको। देखो आप पहाड़ों के बीच में से है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इतने में अभी सांस फूल गया, अभी ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं आया है मुझे लग रहा है ना। हाँ तो काफ़ी खड़ी है, उतरते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर चढ़ते वक्त तो बहुत सांस फूल रहा है। नेटवर्क उड़ गया, कैसा लग रहा है? बहुत थक गया है, अभी तो लग रहा है आधा भी कवर नहीं हुआ है बट चलो एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके बाद जो व्यू मिलेगा वो सारी थकान हमारी दूर कर देगा। हाँ ये हर तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा, काफी देखो कितने ऊपर आ गए हम, तरफ जंगल ही जंगल है। ट्रैकिंग हो रही है बहुत खतरनाक, सिस्टम चढ़ाई हो गई है और भी खड़ी, और ऊपर से इधर चालू हो चुकी है बारिश, बारिश चालू हो गई है, और चढ़ाई देखो आप कितनी खड़ी चढ़ाई है, तो और सांस फूलने लगा है। और गलती क्या हो गई हमसे कि हमारी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो हम लेने ही भूल गए। अब आधे रास्ते आ गए, मैंने कहा वापस क्या जाएंगे, तो देखते हैं ऊपर चढ़ते, क्योंकि आ गए अब तो पूरा ही करना है, इसे फ़ायदा नहीं। कितनी पतली जगह है, एक ही जने के निकलने की जगह है, क्यों है ना,
साइड हो जा इस। अभी तो हम भी आगे भी 3 किलोमीटर लिखा है, मगर 3 किलोमीटर भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है 15-20 किलोमीटर हो। 1 किलोमीटर और रह गया था फिर, कि तेज़ बारिश हो रही है भाई, तो ऊपर चढ़ाई इतनी खड़ी है ना, हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर हमने कहा यार आधे रास्ते वापसी करते हैं और जगह पॉइंट घूमेंगे इतना, क्योंकि आज ही का दिन है, टाइम इतना वेस्ट हो रहा है कि पूरा दिन इसी में करेंगे तो और दिन कहाँ घूम पाएंगे, इसलिए हम तो वापसी जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आप कितनी कैसी जगह है, बिल्कुल निकलने तक का रास्ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से अब देखो उतरना ही मुश्किल है। उतरने में कम से 1 से 1.5 घंटा तो अभी लग रहा, उतरने में लगेगा। अभी गाइस अभी बच गए कितनी स्पीड ही रुक क्या, सन्नाटा आया पर तो लोग भी दिख रहे हैं, ऊपर ही गए ना सारे हैं, ऊपर ऊपर ही चले गए, अभी नीचे से अभी तक तो कोई ऊपर आया नहीं है, ऊपर ही होगा थोड़ा बहुत अगर कोई कर रहे होंगे। और लिखा भी है यहाँ पर बोर्ड वगैरह पे कि अगर आओ तो सारे ग्रुप वगैरह में आओ, अकेले मत आओ, क्योंकि यहाँ पर मतलब वैसे जानवर भी है, सांप हो गया छोटे मोटे वैसे, तो इसलिए ग्रुप वगैरह में ही आओ तो वो बढ़िया है। तो थक गई है, मैंने बस बारिश से सर बचाने के लिए हेलमेट पहन रखा है। और प्यास इतनी लग रही है, पानी की बॉटल भी लाना भूल गए गाइस, इतनी प्यास लग रही है। हाँ पानी भी तो भूल गए। अच्छा हुई बारिश तो रुक गई कम से कम, नहीं तो भीग भीग के। आवाज किसकी आ रही है ऊपर से है? अभी हम रास्ते में, अभी थोड़ा सा रुके, फिर हमें मूड हुआ यार वापसी जाते हैं, हम नीचे चले गए काफी एक थोड़ा बहुत, फिर उसका फिर मूड बना दो चार लोगों को देख के, तो हम और इतना ऊपर गए, फिर जाके यार हिम्मत हारी गई, बेकार है। और अब हम नीचे आए तो लोगों की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है फिर चले जाए। मगर वैसे यार ऊपर क्या है तो व्यू होगा, मतलब पूरा व्यू भी होगा ना, तो अब जैसे कि पूरा बादलों से कवर हो गया है, तो मे भी हम लोगों को व्यू दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे बादल बादल हो रहे हैं, तो मौसम क्लियर हो तो व्यू अच्छा विजिबल होगा। हां अभी थोड़ा सा बारिश हुई है तो थोड़ा बहुत साफ हुआ है, नहीं तो नीचे देखो आप कितना नहीं ऊपर आ गया, देखो आप ऊपर मतलब। गाइस अभी रास्ते में नीचे लौटते वक्त तो हमें वहां पर तो ऊपर जा नहीं सके, मगर रास्ते में लौटते वक्त हमें पूरा व्यू दिख गया, जो मतलब ऊपर से भी सेम ऐसे ही दिखता है, हमने कहा सोचा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस तो बढ़िया, अंदर देखो नीचे बादल ही बादल बिल्कुल खाई, और यहाँ तो बादल है कुछ, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो गाइस ये हमने ले लिया स्वीट कॉर्न, क्या निकाल रहे हो हैं कॉर्न, अरे दो पीस करा लेना, दो पीस कर देना, दो पीस कर देना। और अभी हमें मिले हैं शाबान इनका व्लॉग, इनका व्लॉग चैनल है काफी फेमस है, नैनीताल के व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो आज हमें यहाँ मिल भी गए। वो भाई जी देखिए यहाँ हमें दिखा लंगूर, और एक नहीं कई सारे हैं, एक ये रहा एक ये रहा तीन, देखिए गाइस कितना बड़ा लंगूर है, और क्या खा रहा है, भुट्टा खा रहा है। कैसा लग, कैसा लग, मुंह कितना काला सा। तो ये निकल लेते कहीं पता चले आ जाए फोन। गाइस हम आ गए सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट, ये दोनों ही हैं, और ये यहाँ पर अभी नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा नीचे जाके है सुसाइड पॉइंट, देखो आप यहाँ भी बहुत बढ़िया व्यू है वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। देखिए गाइस यहाँ पर फोटोग्राफी भी चल रही है और व्यूज भी बहुत बढ़िया है होने वाला है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर पत्थर वगैरह है, पानी वगैरह स्लिपरी भी बहुत है, तो उई पैर अभी भी स्लिप कर रहा है। यहाँ का व्यू, ये सुसाइड पॉइंट का व्यू देखो आप गाइस, मौसम अब बिल्कुल खुल गया और बाहरी पार दिख रहे हैं, हरियाली हरियाली है बिल्कुल। जा रहे हैं वापसी, और भी पॉइंट्स है और भी एक्सप्लोर करना है काफ़ी, क्योंकि इसमें टाइम कम है, तो इसलिए अभी फोटोग्राफ फोटो वोटो खींच ली हमने सब, फिर अब जा रहे हैं और दूसरे पॉइंट पर।
गाइस हम जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट और रास्ता यहाँ पर भी बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो हमने एक वैन वाले से अभी एड्रेस पूछा तो वो सामने वैन वाला जो जा रहा है तो उसके हम पीछे पीछे जा रहे हैं। गाइस तो अब हम पहुंच चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट और इतने ज़्यादा मतलब टिपिकल रास्तों से हमें आना पड़ा ना, मतलब हम पहले गलत जा रहे थे फिर उसके बाद वो भी रास्ता ऐसे ही था। अब ये रास्ता देखा तो क्या कहते हैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब चढ़ाई वाला रास्ता था, मुझे तो डर ही लग रहा था लिटरली कि यहाँ मतलब एक तो पतला रास्ता और थोड़ी ख़राब भी रोड है आप देख सकते हैं। और ये वैसे इधर मतलब इधर एकदम खाई है, कोई भी मतलब यहाँ पे बैरियर और मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसी वजह से तो बस अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तो आपको भी दिखाते हैं हम लोग। हम एडवेंचर पार्क, यहाँ पर पूरा एडवेंचर वगैरह होती है ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखो कार वगैरह भी है रेसिंग कार की तरह, ये देखो यहाँ पर ये भी पूरा एडवेंचर वगैरह है और भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एक्टिविटीज़ वगैरह। और ऊपर सीढ़ी है स्नो पॉइंट के लिए, काफ़ी सारी एक्टिविटी भी है यहाँ पर और काफ़ी। ओए ये क्या है? अरे वो नकली वो लगा हुआ है उसकी आवाज़ आ रही है, डायनासोर जैसा लटका हुआ है की आवाज़ आ रही है। ये आ गया हमारा स्नो व्यू पॉइंट है, अभी और ऊपर गया। हाँ और ऊपर आ गया, ये भी जा रहा है ना, बहुत लेट हंगी हुई। हाँ आ गया गाइस स्नो व्यू पॉइंट, ये देखो आप यहाँ से पूरा हिमालय पूरा पर्वत दिखाई दे रहा है, बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा काफ़ी ऊपर आ गए हम। गाइस ये देख सकते हैं क्या लटका हुआ है डायनासोर और हिल भी रहा है और आवाज़ भी आ रही है इसमें से, पता नहीं एडवेंचर पार्क है तो इसमें कुछ अभी तो बंद हो गया फिलहाल तो हमने बस ये डायनासोर वगैरह देख पाया है तो यहाँ पर चल रहा है। हम एडवेंचर पार्क के अंदर ही आ गए, खुला हुआ था अभी तो हमने सोचा चलो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आ गया गेम्स वगैरह आपको सब मिल जाएगी, आप गेम्स वगैरह सब है और जुरासिक पार्क तो यार टिकट है तभी एंट्री होगी, हमारे एंट्री इधर जुरासिक पार्क की है। ये आपका व्यू पॉइंट मार्केट है यहाँ पर, अभी करते हैं देखते हैं एक्सप्लोर करेंगे। ये ड्रेसेस वगैरह भी है यहाँ पर, पार्टी ड्रेसेस में आप फोटो वीडियोस बनवा सकते हो यहाँ पर। यार देखो आप गाइस फील करो इस मौसम को, इस व्यू को, इतना बढ़िया और कितना ज़बरदस्त इतना मज़ेदार व्यू है। फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर और बादल ही बादल यहाँ पर। देखो आप गाइस मैंने कुछ अलग सा देखा, थैले वगैरह कप्स है, बॉटल्स है पुरानी और ये कंटेनर्स है, पाइप्स है, पता नहीं काय के लिए इकट्ठे करे उसका कुछ पता नहीं। ये व्यू देखो आप नीचे काफ़ी बादल बादल आ गए तो उधर का भी मौसम तो बादल आ गए तो इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ये तो काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का भी। पॉइंट से जा रहे हैं सीधे नैनीताल वापसी और ये ऊपर से देखो आप पूरा नैनीताल दिखाई दे रहा है, नैनीताल पूरी झील दिखाई दे रही है यहाँ से, काफ़ी बढ़िया अच्छा व्यू है। और शाम का समय अष्टम हो गया है, 5:30-6 बज गए, रात होने वाली है इसलिए फटाफट से जल्दी गए हम पहाड़ों के बीच में मैगी खाने, क्योंकि वैसे तो हम नैनीताल जा रहे थे, हमने कहा पहाड़ों के बीच में खाने का मज़ा अलग है मैगी और मैगी वगैरह खाने का। तो ये देखो हमारी मैगी तैयार हो रही है यहाँ पर और यहाँ देखो हम कहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, पीछे बिल्कुल मतलब पहाड़ी खाई खाई है और यहाँ बैठे हैं यशु और यहाँ मैगी का मज़े उठाएंगे अब।